एक्सपोजर क्या मिला है वो तो मुझे पता नहीं है, बट इतना जरूर सुन रही हूँ कि लोगों ने मुझे इंडिया की क्रश बना दिया है, मुस्कान भाभी बना दिया है. मुस्कान भाभी तो मतलब तो अब जहाँ भी जा रही हूँ, जहाँ भी देख रही हूँ चलते रिश्क में दिल झूम झूम बज रहा है, और हर जगह ग्राउंड लेवल पे जो नहीं भी जानते वो गदर की ही बातें कर रहे हैं. आई थिंक इससे बड़ा एक्सपोजर क्या हो सकता है, और एक्सपोजर इतना बड़ा होता क्या है तो मुझे पता भी नहीं है. ये तो अब मैं देख रही हूँ जब निकलती हूँ लोग मुझे बुला रहे हैं, मुस्कान इधर आओ, मुस्कान मुस्कान, तो लग रहा है कि हाँ कुछ हो गया, बहुत बड़ा कुछ हो गया. मुझे एक्चुअली कमेंट भी आ रहे, बोलते हैं हमें हिंदुस्तान से और कोई शिकायत नहीं, बट वो हमारी मुस्कान ले गए, प्लीज हमारी मुस्कान को भेज दो वापस से. नहीं, ये मुझे भी बहुत सारे डीएम्स आते हैं, दे आस्क की लड़की एक्चुअली पाकिस्तान से है या ये अफगानिस्तान से है, ये लगती तो नहीं हिंदुस्तानी. हाँ, इंडिया में खूबसूरत लड़कियां नहीं होती. दे बिलीविंग दैट बिना बोले पाकिस्तान से किसी लड़की को लेकर आए. मैंने सोचा था अगर डेब्यू करूंगी तो ऐसे ही करूंगी, वरना नहीं करूंगी. ऐसा नहीं है, आई थिंक ये बड़ों का आशीर्वाद है, और ये सब जिन्होंने मेरे पे बिलीव किया, और उसके बाद में सीन्स तो चलो अच्छे हो गए, बट जो मुझे मेरा मेन नाम मिल रहा है वो चलते रहे इश्क के वजह से मिल रहा है. एंड अगेन शबीना मैम, आई कांट थैंक यू एवर इन माई लाइफ जो आपने मुझे ये सॉन्ग डेब्यू मूवी में दे दिया है. रख दो, मैं तो कह रही जो प्यार से आप बुलाना चाहो मुस्कान रख दो. अगर जनता कहती है मुस्कान रख दो तो मुस्कान रख लेंगे.